हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, होप आप सब बढ़िया होंगे ही। तो आज मैं एक ऐसा गेम खेलने जा रहा हूँ जिसके सीरीज आप अपने बचपन में ज़रूर देखा करते थे, और वो भी कार्टून नेटवर्क पे। हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ पोकेमोन की, और आज मैं उसके रिलेटेड एक गेम खेल रहा हूँ जिसका नाम है पोकेमोन सन एंड मून। ए मून को छोड़ दो यार, मैं सन खेलने वाला हूँ आज। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं गेम पे। तो आज का एक्चुअली होने वाला है इंट्रोडक्टरी राउंड, मतलब क्या क्या है और मैं कैसे इस गेम को इंस्टॉल कर सकता हूँ अपने विंडोज़ पे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही इस गेम में कौन कौन से पोकेमोन इन्वॉल्व है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको लिंक बता देता हूँ, इसके नीचे ही मैंने डाल के रखे सब। तो आपको इस गेम को विंडोज़ पे चलाने के लिए एक एम्यूलेटर टाइप लगता है, यानी सिंपली बोलूँ तो ये जॉयस्टिक है। वीडियो गेम तो चालू है लेकिन जॉयस्टिक के बिना आप खेल नहीं सकते, तो इसका लिंक है यहाँ पे। तो ये सिट्रा एमुलेटर बेस्ट एमुलेटर है इस गेम को रन करने के लिए, 3DS फाइल से अच्छे से रन कर लेता है गाइस। उसके नीचे मैंने पोकेमोन सन एंड मून की पूरी रोम फाइल की लिंक दी है गाइस, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो उस गेम को। और हम देखेंगे इस गेम के अंदर कौन कौन से पोकेमोन भरे पड़े, क्योंकि एक्चुअली मुझे भी फर्स्ट से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक पोकेमोन याद है, लेकिन उसके आगे के मुझे बिल्कुल ही पता नहीं क्या क्या बने हैं क्या क्या नहीं है। तो देखते हैं हम क्या क्या भरे पड़े हैं पोकेमोन इसके अंदर। तो Celebi.net इस साइट पे लिटरली बोलो ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, अटैक से लेके स्टैट्स, मतलब पोकेमोन का टाइप, सब टाइप, एबिलिटीज, सब आपको इस साइट पे प्रॉपरली मिल जाएगा गाइस। तो चलिए गाइस, हम स्टोरी जरा पढ़ लेते हैं गाइस। तो इस गेम के शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर जाता है अलोलल रीजन में। व्हाट्स योर नेम? लौड़ा। लौड़ा अल्लाह, यार मैं ही खुद तोतला बन गया इसको पढ़ पढ़ के। तू मेरी नकल करता है? तो ये रीजन में हमारा सफर शुरू होता है, और साथ ही ये नीचे है सब पोकेमोन और उनकी लिस्ट। तो यहाँ पे है हमारा फर्स्ट 3 स्टार्टर पोकेमोन। तो क्या है, पहले टाइप बर्ड और एक ग्रास टाइप लग रहा है, फिर है एक फायर, और ये बिल्ली टाइप है, डार्क टाइप है ये। ऑलराइट, ये थर्ड स्टेज में डार्क टाइप हो जाते हैं, मतलब आप देख सकते हैं जो फर्स्ट जनरेशन के पोकेमोन थे उसमें एबिलिटीज, मतलब टाइप जो थे वो सिर्फ वन टाइप थे, लेकिन अभी इसमें मल्टीपल टाइप्स आ गए। तो भाई मतलब कोई दूसरा अटैक भी आ जाएगा ना, जैसे गोस्ट पे डार्क टाइप ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, तो डार्क टाइप आएगा तो भी मरेगा, ग्रास टाइप पे फायर टाइप या फ्लाइंग टाइप आएगा तो भी मरेगा। यानी मतलब अभी के ये जनरेशन के पोकेमोन और नाजुक हो चुके हैं गाइस टाइप से रिलेटेड में, मतलब क्या ही बोले अभी इन्होंने तो, और इन तीनों स्टार्टर्स को कमज़ोर बना दिया, क्योंकि ये दोनों टाइप्स जो है वो एक्चुअली पैरेलल है दोनों से, जिससे मतलब इनकी कमजोरियां और डबल बढ़ जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बताइए कौन से टाइप आप चूज़ करते हो। मैं तो लिटरली बोलूँ, मैं तो फायर टाइप ही चूज़ करता हूँ, क्योंकि फायर टाइप आप ग्रास में भी ढूंढो तो मिलते नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा, तो ऑब्वियसली मैं तो फायर टाइप के साथ ही जाता हूँ। फिर आता है वाटर टाइप, और लास्ट में मैं लूँगा तो ग्रास टाइप, नहीं तो वो भी नहीं, क्योंकि ग्रास टाइप अटैक ज़्यादा पोकेमोन पे इफेक्टिव नहीं होते। तो उसके बाद है हमारे ये बर्ड टाइप पोकेमोन जो हमारे 3 स्टार्टर के नीचे ही होती है, तो ये खासा नॉर्मल फ्लाइंग है, हॉर्नबिल है, तो पूरा ऐसा लगता है एनिमेट हॉर्नबिल का फोटो, बस कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं किए लोग ने। फिर आता है एक नॉर्मल टाइप, अरे ये तो ब्लैक एंड वाइट में भी था, इसका नाम पात्रट या कुछ तो था, वॉच हॉक, वॉच डॉग कुछ तो है, मुझे याद नहीं है ठीक से, क्योंकि ये पोकेमोन सिमिलर रिजेम्बलेंस करता है उस पोकेमोन से। और साथ ही नीचे देखोगे आप तो इसमें रैटेटा है। Hey, what happened? रैटेटा काला क्यों हो गया पहली बात, अरे इसके मुंह में क्या गुब्बारा भर दिया। और नीचे और राइट, ये तो पूरा स्टार्टर पोकेमोन से, ये जो फर्स्ट जनरेशन पोकेमोन है वो भी इसमें डाल दिए। लेकिन एक सेकंड, रैटेटा में आप देखोगे तो इधर डार्क नॉर्मल लिखा है, क्योंकि ये अलग टाइप सा लग रहा है मुझे इसमें। तो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने फिर से फर्स्ट से लेकर लास्ट लिस्ट बना दिए, और वो भी एक स्पेसिफिक रीजन के लिए, मतलब आप बोलोगे जो अपना नॉर्मल रीजन था और ये अलोला रीजन है, वहाँ के पोकेमोन थोड़े अलग टाइप के है, तो उन्होंने पूरा ये पोकेडेक्स ही हिला के रख दिया इधर। तो आपको थोड़े थोड़े पोकेमोन में चेंजेस है, लेकिन कुछ कुछ है वो एज इट इज रख दिया इन्होंने। तो हम नीचे जाते हैं, यानी ये तो सब जूने पोकेमोन है यार, मतलब नया क्या डाल दिया लोग ने, इतना थोड़ा हेरा फेरी कर दिया। हाँ यहाँ पे रायचू सर्फर दिख रहा है, लेकिन ये पानी में तो नहीं चल रहा। और नीचे हाँ ये एक नया पोकेमोन है, ग्रबिन, चार्जा बग और विका वोल्ट, ये बग इलेक्ट्रिक टाइप है।
क्या कॉम्बिनेशन है कि ऐसे मजाक मजाक में बना दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। और यहाँ पे है पॉन्सलाय सूडो वूडो। मैं और इसको थोड़ा जूम करता था कि आप भी गाइस थोड़े इनके थोड़े अच्छे से देख लीजिए। राइट, इतना काफी होगा। हैप्पीनी, चैंसी, ब्लिस्सी, ये तो सब अपने नॉर्मल वाले पोकेमोन है। मुझे इनमें से तो भाई, मैं आपको लास्ट में बताता हूँ मेरी चॉइस क्या होगी छह पोकेमोन की। पहले मैं लिस्ट भी देख लेता हूँ थोड़ी बहुत। ये तो सब पता नहीं ये सब ग्रास में मिल पाएगा कि नहीं। म्याउथ थोड़ा चेंज लग रहा है भाई, म्याउथ को लगता है सांस फूल गई और ये नीला पड़ गया। डार्क टाइप है भाई ये तो इस टाइम। ऑलराइट, नीचे नीचे जा रहा हूँ तो मुझे मैग्नेमाइट, मैग्नेजोन एक अलग जनरेशन का पोकेमोन था, वो भी इसमें डाल दिए लोग ने। फिर ये ग्रीमर है, मक को क्या हो गया भाई, मक ने लगता है जेम्स खा लिया, उससे रेनबो का कलर चढ़ा दिया। लेकिन इस टाइम ये डार्क टाइप भी है क्योंकि ये पॉइजन टाइप था पहले आई थिंक, तो ये पॉइजन डार्क कर दे इन्होंने। नीचे ग्राउलिथ है, ट्राउजी है, माकू हिता क्या क्या पीता, ये सब अलग जनरेशन के भी इन्होंने घुसाड़ दिए अंदर। मतलब अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या किससे क्या कॉन्सेप्ट क्या जोड़ा है, क्या पूरे वाट लगा दिए पोकेडेक्स के इन्होंने। तो नीचे है अपने पेंटर बाबू, यहाँ पे है अपने क्रैबी के भाई बंधु लोग, और ये फाइट टाइप है ना कि वाटर टाइप है। ऑलराइट, फिर है खैसली, और ये गेंगार, कर्स बॉडी, पॉइजन तो थे ही आई थिंक सो, गोश्त तो नहीं थे, पॉइजन भी हो गए पता नहीं कि चेंज किया वो भी। तो नीचे नीचे जाके ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इधर पॉइजन और पॉइजन ही क्यों दिख रहे, पॉइजन और गोश्त ये टाइप। ओके ग्राउंड, अरे ये क्या बना दिया इसको भाई, ये डॉक्टरों का क्या बना दिया, मतलब बाल लगा दिया इसको भाई, कुछ भी कर। और ये स्टील टाइप है, समझ नहीं आता है भाई, ये तो पूरा ग्राउंड टाइप या रॉक टाइप तो रख देते, स्टील टाइप थोड़ी हो। और क्या है, स्पियरो, फियरो, रफलेट, प्रेवियर, ये तो सब पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के पोकेमोन है सब ये। फिर आते हैं नीचे डेलीबर्ड, और नीचे क्या है, ये तो डिस्को चल रहा है, मतलब चार टाइप्स के एक ही पोकेमोन है। अब पता नहीं इन्हें कैसे ढूंढा जाए, मतलब चारों फ्लाइंग है और चारों में अलग एक सब टाइप है। सही है भाई, ये तो भाई पूरा नाच गाने में ये लगे, पूरा अलोला वाली फीलिंग आ रही है लोग में देख के ही। क्यूटी फ्लाई, रिमबोम भी, मैं वो पोकेमोन ढूंढ रहा हूँ जिसके तीन विकसित हो क्योंकि मुझे वो ज्यादा पसंद आते। अच्छा, दो विकसित में तो भाई सिक्स्थ पोकेमोन रख सकते हो, मैं ज्यादा अफोर्ड नहीं करता, लेकिन मुझे तीन विकसित वाले पोकेमोन पसंद है। आपको कौन से पोकेमोन पसंद है, मतलब कितने स्टेजेस वाले हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा गाइस। तो नीचे नीचे जा रहे हैं, इधर तो सब सेम ही है, ज्यादा कुछ डिजाइन में चेंजेस नहीं किए गाइस इन्होंने, मैचोक ये तो सब सेम ही है इन्होंने ना। ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूं ना तो फर्स्ट जनरेशन और सीधा ब्लैक एंड व्हाइट में घुस के वो डाल दिए बीच में, क्या पता है इनका क्या दिमाग चला। कुछ कुछ पोकेमोन ये मुझे लग रहा है पोकेमोन एक्स एंड वाई सीरीज का पोकेमोन है, कार्बिंग। फिर ये कुत्ता कुछ नया लग रहा है, रॉक रफ, ये रॉक टाइप है और इसके वे दो विकसित है आई थिंक। यार इन्हें कैसे विकसित करे और क्या नहीं वो आगे देखते हम लोग जरूर। ये कुत्ता तो सही दिख रहा है भाई, मतलब फुल एकदम रावड़ी थकेला टाइप। अबे साले, और नीचे देखते है तो ये सब बावले पोकेमोन है भाई, एक मारेगा तो मर जाते, इनको तो कोई पकड़ेगा भी नहीं। नीचे नीचे ये क्या है भाई, स्कूलिंग, लेकिन इसमें ये दो विकसित क्या है समझ नहीं आ रहा है गाइस। ये वाटर टाइप तो है पता नहीं, विशी वाशी वाशी चलो रे। और क्या है नीचे, इसका थोबड़ा ये था और ये खुल के थोबड़ा ही गायब कर दे इसका, मतलब क्या है। फिर शेल्डर है अपना बेगोन, ये एक पोकेमोन सही है भाई सालामेंस, इसे हो सकता है तो मैं पार्टी में रख दूंगा। फिर आते हैं अपने लिलुप पुल्लुप और स्काउटलैंड पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के। ईवी तो भाई छा गया, ईवी के कितने रूप है किसी को पता ही नहीं, और भी आएंगे। ईवी का गधा रूप कैसे आ गया, नहीं नहीं गाइस ये अलग पोकेमोन है सॉरी, ये मर्ड प्रे है और इसका विकसित मर्च डे लेके। और ये भी एक कड़क टाइप, मतलब एकदम कड़क माल है ना, डिजाइन के मामले में तो अच्छा दिखता है, अभी मार खाने और कूटने के मामले में तो पता नहीं, इसे भी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। फिर नीचे नीचे तो सब नॉर्मल टाइप पोकेमोन लग रहे हैं, यहाँ पे बग टाइप है कुछ, यहाँ पे क्या है ये वाटर बग टाइप, पानी फोड़ेंगे। और एक क्या नीचे, लोरेंटिस मोरल फ्लू, और इसमें एक और मैं मुझे लगता है पोकेमोन एक्स एंड वाई से एक और टाइप जुड़ गया है, फेरी टाइप, क्योंकि पहले तो थे अपने क्लिफेरी और ये सब, लेकिन उसमें फेरी टाइप आया नहीं था, लेकिन इन्होंने डाल दिया अभी, जो ड्रैगन टाइप पे ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो यहाँ पे है हमारा फेरी टाइप पोकेमोन भी, और नीचे तो पूरा वाटर टाइप ही लग रहे, सब सब लाइन से वाटर टाइप ही है। ऑलराइट, ये अपना फ्लेचिंडर,
और रेड ये भी पोकेमोन एक्स का ही है। फिर आता है सेलेंडिट, ये पॉइजन फायर टाइप है। वाह, और रेड फिर नीचे नीचे और रेड इधर मैरोवैक को चेंज कर दिया इन्होंने फायर गोस्ट टाइप। ग्राउंड से रेके रिलेशन फायर गोस्ट में क्या मतलब, लॉजिक ही नहीं कुछ समझ रहा मुझे। मतलब पकड़े, चलो मैं मानता हूँ मैं क्यूबोन मैंने पकड़ लिया और फिर मैंने इवॉल्व किया और ये मिला मुझे, थोड़ा तो रिलेशन रख दो यार। अच्छा है फायर और ग्राउंड ने रखे। फिर आता है हमारा कंगस खान और यहाँ पे हमारा मैगमार। ये सब ये थर्ड विकसित रूप है, ये सब ट्रेडिंग या उन पे कुछ आइटम रख के ट्रेड करने से होते जो अपने से तो अभी पॉसिबल नहीं है। फिर अपना है ये फ्लफी, इसे तो मैंने टीम रॉकेट को बचाते हुए देखा है, मतलब धुलाई अच्छी करते, फाइट टाइप तो है पोकेमोन। नीचे है और इसके भी तीन विकसित है, एक क्रैश टाइप है, इसे रख लेते हैं कि अपन मिलने भी तो चाहिए रखना के बात तो सही है। और नीचे चलते हैं अभी, ये हार क्या है भाई, किसमें डालना है हार को? पिंसर तो अपना सही है। नीचे क्या है, ये बंदर कहाँ से आ गए? ओरंगिरो और पसीमान, वो भी दोनों विकसित नहीं है, लेकिन क्या पता, नहीं विकसित भी रहते तो इनके जो अपनी पैसिव एबिलिटी है ना वो भी थोड़ी थोड़ी सेम रहती है, इसके तो पूरी चेंज है। तो मतलब एक स्टेज का पोकेमोन है। तो जैसे मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ, पोकेमोन का मतलब मिक्सअप मेरे को पसंद नहीं है, मतलब उन्होंने वो ही रखना चाहिए था ना एक्चुअली। तुम लोग बीच में इन्वॉल्व कर देते और वो जो नए पोकेमोन की लिस्ट है वो तो पूरे स्क्रैम्बल्ड हो जाती है फिर तो। फिर आते हैं हमारे कस्ट फॉर्म विम्पॉड, घासलेपॉड, घासलेट डालेंगे अभी इसको। Something is burning around here. ये भी एकदम स्टाइल मार रहा है, हाथ के अंदर हाथ। नीचे है अपना स्टारियो, स्टारमी और एक है सैंड कैसल। यार मतलब इनको, इनके वहाँ ड्राइंग आर्टिस्ट होंगे नहीं, क्योंकि ये सब पोकेमोन क्या बना दिया, कुछ भी मिला बना दिया। फिर नीचे आता है ग्रेनिडोस, रैमपेराडोस और रेड रॉक टाइप पोकेमोन है, और वो भी एंशियंट टाइप है, इनका फॉसिल मिलना चाहिए। ये सब फॉसिल पोकेमोन है गाइस, फॉसिल मिलेगा तो रिवाइव कर सकते हैं। ये भी पोकेमोन एक्स का ही है लग रहा है। नीचे नीचे देख रहा हूँ तो जितने भी पोकेमोन सन एंड मून है ना भाई, उसमें ड्राइंग आर्टिस्ट इतना क्वाइट था ना, मतलब कुछ भी बना के रखा है। ये क्या प्यूक्यू म्यूकू, वो तो ठीक है, मतलब ये क्या है ये? मेम चालू था ना गाइस, मतलब एप्पल के फोन में कैमरा इधर से उधर घुमाते थे आर्टिस्ट लोग, वैसा ये काम करके रख दे इधर। नीचे नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ पे है टाइप नल, ये क्या नाम है क्या गाइस? नाम ही है नल्ला तो लिख देते यार, मतलब क्या ये नॉर्मल टाइप है नल, नल को पानी नहीं आ रहा इधर। तीसरे नल में पानी नहीं आएगा बाबा, जिसको नहीं नहाने का है वो तीसरे नल के नीचे बैठेगा ना। नीचे एक सिलवाली आर के सिस्टम और ये दोनों पैर तो सेम दिख रहे, इसका इवोल्यूशन होगा। यहाँ पे एक साइग्रेड है तो किंग कोबरा लग रहा है पूरा। Oh no! ड्रैगन ग्राउंड टाइप है गाइस ये। नीचे ट्रबिश गार्बेज कैन, कचरा तो डालना ही है गेम के अंदर, सही बात है। और नीचे स्कॉर्मर डिट्टो तो भाई अपना छा गया। नीचे देखिए क्लिफेरी को भी पहले नॉर्मल टाइप हुआ करता था, अभी फेरी टाइप कर दिया उन्होंने। फिर क्या है मिनियोर, अभी ऐसा क्यों लग रहा मुझे एक अपने स्टार में ऐसी रेत पे छुपी हुई थी और ऊपर से किसी ने पैर डाल दिया तो पूरा फैल गई स्टार में उधर रेत के अंदर। फिर अपने मी टैंक देखे, ये पोकेमोन देखे मतलब प्रॉपर डिजाइनिंग और है, लेकिन इसमें तो देखिए भाई मतलब कुछ भी बना के रखे। नीचे है अपना पॉरीगॉन, पॉरीगॉन पूरी ऊन, फिर अपना पंचाम और एक है अंजाम। माचिस की तिल्ली मुंह में, नहीं सॉरी ये तो बाम्बू रखते मुंह में। कोमाला, ये नया पोकेमोन लग रहा है, कोमाटोस, कोमा में चले जाएगा भाई तेरे को देख के। फिर है टर्टोनेटोर, वाह इसका इवोल्यूशन है क्या बात कर रहे हैं बाबा? हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन नहीं होने के चांसेस क्यों है, क्योंकि इसके एचपी आप देख रहे हैं ना, ये एचपी का कॉलम है 70 से 60 गिर रहे हैं, मतलब इवोल्यूशन के नीचे गिरा रहा है। फिर अपना टोगेड़ा मारू, ये भी देखा था एक बंदे के पास, उसमें मेन कैरेक्टर के दोस्त के पास रहता है ये। इलेक्ट्रिक स्टील टाइप, क्या जियोडोड को क्या किया भाई? अरे भाई इस गोलेम को तो देखो गाइस, मतलब इसको दाढ़ी भी आ गई अभी, वाह। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक है ऊपर रखे लगेज, एक है मतलब कॉमेडी बना दिया इसको तो, पूरा कोचिका में बुक भी बना दिया इसको तो। और क्या इधर नीचे ट्रैपिंच है, कारचॉम भी है इस गेम में क्या? नीचे अपना ये भी सही कॉमेडी करता था पिकाचू का, मिमिक्यू। फिर नीचे नीचे ये क्या है भाई, ये आतंकवादी पोकेमोन के ड्रामपा, नॉर्मल ड्रैगन टाइप भाई। इसका पूछ, इसका पैर किधर है पहली बात, वो ही नहीं समझ रहे, सब मिक्स कर दिया, ऐसा लग रहा लैप्रस का कवच टूट गया और बाहर आ गया। और नीचे क्या है यहाँ पे,
ये भी सही पोकेमोन दिखता है भाई, मतलब दिखने से तो नहीं, मैं बोलता हूँ जिसके अटैक्स इफेक्टिव रहते हैं ना वो टाइम पे, और ज्यादा से ज्यादा और टीएम या एचएम मूव्स लर्न कर सके वो सही पोकेमोन है गेम के अंदर। तो रियलिटी में तो कुछ और ही रहता, उसमें ना पीपी है ना एचपी, कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सैंड श्रू है और वो भी आइस टाइप, वाह भाई पूरा ऑपोजिट टाइप बना दिया, और सैंड स्लैश तो एकदम रॉकिंग दिख रहा है एकदम। एक सेकंड, यहाँ पे इन्होंने वल्पिक्स को भी आइस टाइप बना दिया, फायर टाइप से सीधा आइस, मतलब स्नो टाइप पूरा दिख रहा है, मतलब क्या बोलूं यार। हो सके तो इसे पार्टी में लेंगे, लेकिन आइस टाइप की मैं बोलूं ना ज्यादा से ज्यादा टाइप्स इस पे हावी हो जाते, इसलिए मैं आइस टाइप कभी पालता भी नहीं। अभी तो 260 पोकेमोन हम लोगों ने कम्प्लीट कर दिए गाइस। यहाँ पे ये क्या एंकर है, क्या गोस्ट क्रास टाइप, और इसकी एबिलिटी है पैसिव स्टील वर्कर, मतलब क्या है स्टील टाइप मूव्स है क्या। यहाँ पे वेल पोकेमोन है अपना, लैप्रस तो है ही भाई, और एक्सिक्यूटर को क्या हो गया भाई इसके, डाला पीछे मुझे देख। थायरॉइडिज्म के इफेक्ट्स दिख रहे हैं मुझे इसके, तो पूरी गर्दन ही बढ़ गई, लॉल हाइपोथायरॉइड हो गया क्या। फिर यहाँ पे है जनगनमो हक्कमो कोमो, क्या ये नाम है क्या, मजाक बना कर रखे। फिर आता है हमारा एमलगा मूलगा है अपने। तो फिर नीचे नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे है मर्क्रो लुकारियो। ये सब वो पोकेमोन है जो हीरो के साथ और हीरोज रहते ना जो दुनिया को बचाने निकलते हैं, उनके पास ये ज्यादा मिल जाएंगे आपको। फिर आते हैं ट्रेटिनी ड्रैगनाइट्स एरोडैक्टल, और यहाँ पे कौन है, टप्पू कोको टप्पू लेले टप्पू बुल्लू टप्पू फिनी, और टप्पू के पापा भी बना दो भाई, मतलब क्या ही है, लेजेंडरी पोकेमोन से गए आई शपथ। ये क्या बना के रखे भाई लोग ने, मतलब क्या है ये एक सही देख रहा है क्या, मतलब देखते हैं क्या है क्या नहीं। कॉस्मोग, फिर है कॉस्मोइम, फिर सोल गालियो। एक सेकेंड, ये गड़बड़ है बाबा, ये इसका भी विकसित नहीं है ना भाई, ये तो अपने सन एंड मून, अगर आप देखोगे सन का शेप है मून का शेप है, तो ये दो लेजेंडरी अलग अलग गेम्स में मिल जाएंगे आपको। तो ये मैं जरा कंफ्यूज हूँ क्योंकि 5 minutes later. नहीं रे, इस पर विकसित नहीं होगा क्योंकि अगर इसका है तो इसका भी होना चाहिए, तो ये दोनों एक साथ है। यहाँ पे लेजेंडरी अलग रख दिए, वही मैं सोच में पड़ गया। फिर यहाँ पे है निहिल को, क्या है ये भाई, जेली फिश है कि क्या है पता नहीं, ये क्या भाई, इसको तो पूरा टर्मिनेटर वाले लुक दे दिया। Talk to the hand. मतलब कौन है ये भाई, बीस्ट बूस्ट बज होल भाई, तू तो लग रहा है शक्तिमान भाई, तू मिलेगा तो मैं तेरे को पहला पकड़ लेता हूँ। ये क्या है फोरोमोसा, ये सब लेजेंडरी के नीचे है, तो ये भी सब लेजेंडरी के होने चाहिए, मतलब क्या है ये बना दिया। मतलब आप देखोगे ना, मतलब पूरा ऐसे लग रहा है ना आदमी को रख दिया और उस पे मतलब चढ़ा दिया, ये क्या है, ये तो मॉडल लग रही है, ये कौन है भाई, जोरक जिटरी इलेक्ट्रिक टाइप। तो ये सब पोकेमोन तो मिलने नहीं वाले भाई, ये कौन है, ये तो ऑगियन कॉकरोच में अपना मोटू है ना वैसा लग रहा है। और ये क्या है, नेक्रोज्मा मां का सब, ये तो सब म्यूटो के सामने आ जाएगा, पतले हो जाएंगे। oh, no. है ये मैजियर ना, ये तो डॉल टाइप पोकेमोन लग रहा है, फेरी टाइप तो है। मतलब मैंने पूरी लिस्ट तो कंप्लीट कर दी, अभी इसमें से क्या पोकेमोन चूज करूं और क्या नहीं वो मेन है। तो एज आपको पता है मैं इस गेम में डालने वाला हूँ चिट्स, अपने सही सुना, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो चिट्स को भी हम देख लेते हैं पहले, तो चिट्स में ज्यादा कुछ है नहीं गाइस, मतलब इसमें आप मेरे को वो मेन चिट चाहिए थे जो ग्रास में आप पोकेमोन मॉडिफाई करते हैं, अगर वो चीट मिल जाते तो मज़ा ही मज़ा है। तो यहाँ पे वर्जन 1, 1.1, 1.2, मैं तो वर्जन ये जो स्टार्टिंग में ही है वर्जन 1.0 तो मैं वही यूज़ करने वाला हूँ, तो इसमें मैक्स मानी की तो ज़रूरत नहीं, अगर आपके पास पूरे आइटम्स ही आ जाते तो, और स्पीड भी आप ऊपर कॉन्फिगर कर सकते हो तो आपको सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं है और स्पीड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरे अटैक्स मिल जाएंगे, यहाँ पे मेडिसिन मिल जाएगी, सिर्फ आपको सिलेक्ट और अप दबाना है जैसे कोड आप पंच करोगे। यहाँ पे बेरीज मिलेंगे, यहाँ पे देखिए ऑल आइटम्स, तो आपके पास ऑल आइटम्स आ ही गए तो आपको पैसे की क्या जरूरत है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यहाँ पे जैसे आप नीचे जाओगे तो पूरा आइटम्स के, यहाँ पे एक 100% कैच रेट है, लेकिन मुझे पता नहीं काम करता भी है कि नहीं, कुछ बटन दबाना होगा तो ये कैच होता है सक्सेसफुल कि नहीं, वो देखना पड़ेगा मुझे गाइस। फिर यहाँ पे है कैच ट्रेनर्स पोकेमोन, ये एक सही चीट है। तो यहाँ से हम अपने जो राइवल्स है जो हमारे स्टार्टर पोकेमोन में से अपोजिट पोकेमोन ले लेते हैं, उनका पोकेमोन ही पकड़ लेते हैं अपन, क्या बोलते हैं गाइस।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आपको इसमें पूरे के पूरे चिट्स तो मिल ही जाएंगे। आप ट्रेनर के पोकेमोन ही पकड़ के उनका बड़ा कर दीजिए। तो यहाँ पे जेड क्रिस्टल करके आते हैं। एक्स एंड वाई में आई थिंक सो मेगा इवोल्यूशन का कुछ तो टर्म था, इसमें जेड क्रिस्टल है। समझ गया। तो आप वो लगा के कुछ जेड मूव सीखते हो, देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं, मुझे भी ढंग का कुछ पता नहीं इसमें। तो यहाँ पे देखिए शाइनी पोकेमोन, तो मैं अब शाइनी पोकेमोन की बात करने वाला हूँ। मतलब अगर मैं वो 6 पोकेमोन चूज करूँ तो उसके शाइनी फॉर्म्स भी कैसे दिखते वो भी देख लेते हैं। मैं पालूंगा कि नहीं पालूंगा मैं बार बार। क्या बोला तूने? पालूंगा मैं बार बार। बड़ा हरामी हो बेटा। मुझे तो लगता नहीं शाइनी की मुझे कुछ करा चाहिए इधर। फिर यहाँ पे एक और सही चीट है, एनी पोकेमोन मतलब कोई भी पोकेमोन कोई भी TMHM लर्न कर सकते हैं, ये भी एक सही चीट है। फिर यहाँ पे है कपड़े, यहाँ पे मतलब इन्होंने जो मिनी गेम्स है वो सब निकाल दिए गाइस, और इसमें मतलब फैशन एसेसरी और वो सब ज्यादा रख दिए। तो आपको कपड़े बदलने का शौक है तो ये डाल सकते चीट। यहाँ पे फीमेल के लिए और ऊपर मेल के लिए थी, सिंपली आपको डालना है और कॉन्फ़िगरेशन में आप देखोगे ना कंट्रोल्स में सिलेक्ट प्लस अप का बटन कौन सा है वो दबा देने का, एक बार चीट जैसे एक्टिवेट हो जाते आप तुरंत वो चीट को डीएक्टिवेट जरूर करना ताकि आपका गेम क्रैश ना हो जाए। मेगा इवोल्यूशन डज नॉट कैंसल आफ्टर बैटल, यानी आपका पोकेमॉन एक बार मेगा इवोल्व हो गया वो तो वैसा ही दिखेगा। ये सही चीट है, मुझे ये चीट डालनी पड़ेगी। और मैक्स मनी यहाँ पे आप देखोगे तो वर्जन 1.0 से 1.1 हो चुका है और पूरे चिट्स सेम के सेम ही रह रहे पूरे नीचे तक आई थिंक। तो मुझे पता नहीं वर्जन 1.1 1.0 क्या है, मैंने तो ऐसे 1 का ही डाल के रखा है। तो हम जाते हैं अभी सीधा शाइनी पोकेमोन पे, देखते उनके सब टाइप भी कैसे दिखते एक बार थोड़ा देख लेते उनका भी। तो शाइनी पोकेमोन के लिए मैं आ चुका हूँ पोकेमोन नियोसिनकर पे, यहाँ पे पूरे एनिमेटेड पोकेमोन दिखे गए और वो भी शाइनी टाइप में। तो इनके थोड़े थोड़े बहुत चेंज हो चुके हैं। अब आपको ये सफेद बिल्ला पसंद है कि काला बिल्ला पसंद है आप देख लीजिए, अगर ज्यादा कुछ तो चेंजेस नहीं है। ये काला रेटेटा हो गया गुलाबी, राइट कैटरपी को ऐसा लग रहा है जॉन्डिस हो गया। हेलो देयर, ये क्या है कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। यहाँ पे नीचे 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 और देखा जाए तो पूरे सारा सारा सेम ही है, लेकिन कुछ कुछ ब्राउन का ग्रीन कर दे इन्होंने। देखिए पूरा ब्राउन और ब्लैक जितने भी टाइप है ना, मतलब वो डार्क शेड एरिया में उनको इन्होंने ग्रीन कर दिया इधर। ये कौन सा पोकेमोन है, ये तो हमने उधर देखा नहीं क्या? ओरिसायरो। और राइट इसके ये इतने टाइप थे तो मैं कंफ्यूज हो गया, इसलिए कुछ अलग दिख रहा है। ये सही दिख रहा है ब्लैक एंड रेड स्ट्राइप में। तो गैराडोस तो सही है रेड में, और भी है हमारे शाइनी टाइप में ये खराब दिख रहा है, वो रेड वाला सही दिख रहा था वहाँ पे। और तो है हरे हरे, सब हरा हरा ही बना दिया इन्होंने, तो हरा और पीला ही दिख रहा है मुझे। ये तो पूरा सेम टू सेम दिख रहा है, ये काले से सफ़ेद हो गया, पॉइजन खुद पे लग गया। ये भी थोड़ा अल्टीमेट दिख रहा है, अभी ब्लू मार दिया इस पर। ये ग्रास टाइप के लिए सही लग रहे हैं, मैं कोई इससे पकड़ लेते, लेकिन मुझे पता नहीं है विकसित कैसे होगी। ऑलरेडी ये भी एक कड़क बना दिया इन्होंने, मतलब पूरा ही। और नीचे जेंगूस का भी ब्लैक से ब्राउन हो गया, इसको क्या चश्मा लग गया क्या? और नीचे नीचे तो चार, ये तो पूरा सब फाइट से पूरा ब्लू बना दिया इसको। ओ माय गॉड, 9-10 सही दिख रहे हैं, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। और क्या है यहाँ पे, पूरा रेड बना दिया डेलमा इसको, इसको अभी जॉन्डिस हो गया, अंडे सड़ गए लगते हैं। इतर तो सेम टू सेम लग रहा है, यानी अगर मैं किसी को शाइनी बना और वहाँ का समझिए शाइनी टाइप में सही दिख रहा है, मतलब रेडिश टाइप फायर टाइप भी लग रहा पूरा। कोई सेंस है इस बात की? और यहाँ पे नीचे तो पूरे सब वाइट 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 हो गए इधर, ये फालतू हो गया इधर। तो अगर मैं पोकेमोन चूज करूँ ना भाई लोग, तो मैं देखिए अपने पास कैच ट्रेनर चीट है ओके, तो मैंने ऐसा पोकेमोन चूज करना है जिससे मुझे कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ पे भी मिले। तो गाइस एक्चुअली चिट्स रन करने के लिए मैंने एक्चुअली गेम को थोड़ा स्टार्ट करके देखा था, मतलब क्या है प्रोसेस क्या नहीं, चिट्स रन होते क्या नहीं वो भी देखना था। चीटिंग 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 करता है तू। तो मैंने स्टार्टिंग में तो थोड़ा खेला, स्टार्टर पोकेमोन लिया और फर्स्ट बैटल भी किया है अपने राइवल से। तो जब मैंने लिटन को लिया था तो उसका जो राइवल था उसने ग्रास टाइप चूज किया, यानी जो कमजोर टाइप है ग्रास टाइप वो चूज किया उसने। तो अगर मैं चूज करूंगा पॉपलियो यानी वाटर टाइप, तो वो उसका कमजोर टाइप चूज करेगा फायर टाइप, जिससे कि मैं वो चीट जो है अपना कैच द ट्रेनर पोकेमोन, तो मैं वो यूज करके इसका लिटन पकड़ सकता हूँ और अपने पास पॉपलियो भी आ जाएगा वाटर टाइप। मस्त प्लान है। जो कि खास नीचे देखोगे आप तो वाटर टाइप इतने कुछ खास नहीं है नीचे, और ग्रास टाइप मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि उनके अटैक ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते।
Oh shit, not good. अगर आप ज्यादा ऊपर के लीग में खेलोगे तो ग्रास टाइप इतने खास नहीं होते, तो मैं वाटर टाइप और फायर टाइप तो ये दोनों को रख लेता हूँ। फ्लाइंग टाइप तो अपना ये ही सही है, इसे पकड़ लेते हैं अपन। अगर चेंज करना हो तो आगे देखते हैं कौन मिलता है कि नहीं। तो हमारा ये चूज हो गया, हम लिटन को रखेंगे। फायर हो गया, वाटर हो गया, फ्लाइंग हो गया, तीन टाइप तो हो गए। और नीचे गए और ये बग टाइप रख लेते हैं हम, कि इसमें इलेक्ट्रिक टाइप भी आ जाते तो हमारा वो भी कंडीशन मीटअप हो जाएगी गाइस। तो ये चौथा पोकेमोन होगा मेरा। और नीचे चलते है तो अपना फायर, अपना ग्रास टाइप ना मैं उसे पकड़ लेता हूँ जो मैंने आपको बताया था नीचे। कहाँ गई रे वो बंदी? हाँ इसे। तो ये हमारा ग्रास टाइप हो गया, यानी पांच टाइप हो चुके हैं। अभी मैं एक ड्रैगन टाइप चूज करूंगा जो कि था वो तीन स्टेज वाला ड्रैगन कहाँ पे चला गया। ओके ये वाला। तो इसमें ड्रैगन और फाइट टाइप भी मिल गया मुझे गाइस, तो ये मैं चूज करेगा। तो शाइनी टाइप अगर मेरे को चाहिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी शाइनी टाइप अच्छा दिख रहा है इधर। ये भी ग्रास टाइप इतनी खास नहीं, वो नॉर्मल टाइप अच्छी दिख रही थी। चलिए गाइस मैं आपको अभी सिखा देता हूँ गेम में चिट्स कैसे डालते हैं और गेम कैसे कॉन्फ़िगर करना है। और चलो गाइस देख लेते हैं पहले। तो ये हमारा सेट्रा 90। तो सबसे पहले ये आपको एक फोल्डर ओपन होगा और जो आप वहाँ से वो फाइल डाउनलोड करोगे ना गाइस 3DS रोम वाली, तो उसे अनजिप करना और अनजिप करने के बाद ऐसे मतलब डेस्कटॉप पे रख देना तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये हमारा एम्युलेटर ओपन हो चुका है, लेकिन उससे पहले आपको चेंजेस अगर करने हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं आएगा ये ऑप्शन। जब आप कोई भी फाइल लोड करोगे तभी होगा। तो यहाँ पे से जाके आप लोड फाइल कर देना। यहाँ पे आपका गेम है, मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, यहाँ पे ओपन कर दिया। ऑलराइट गेम तो लोड हो चुका है, लेकिन अभी हमें और भी सेटिंग्स कहाँ कहाँ से चेंज करने वो भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस। तो आप अगर बॉटम फेज में देखोगे यहाँ पे देखिए स्पीड लिखी है, फिर गेम के FPS लिखे है, फिर फ्रेम रेट भी लिखा है। तो इसे आप और फास्ट भी कर सकते हो गाइस। अगर आप चाहते तो MS Config में जाके वापस सर्विस में जाके आप रैम के जो एलोकेशन से ही 1 रहता है एक्चुअली नॉर्मली, वहाँ पे आप 8 कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ से सीधे सीधे तो आप सीधा कॉन्फ़िगर में चले जाइएगा। यहाँ पे देखिए जनरल सेटिंग्स में एमुलेशन स्पीड जो है ना, अगर आप फुल एंड पे लेके जाते हो ना तो फुल स्पीड में रन करेगा, लेकिन मुझे रिकॉर्ड करना है तो इसलिए मैं 120 पे रख दिया हूँ। यहाँ पे ओके करोगे तो सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी। फिर आता है सिस्टम्स, इस पे तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया है गाइस। फिर आता है ग्राफिक्स, इस पे मैंने 2x या नेटिव था तो मैंने उसे 8x कर दिया है, और बाकी तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। यहाँ पे ऑडियो है, वॉल्यूम को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है 80% तक। यहाँ पे कंट्रोल्स है, तो कंट्रोल्स में आप कुछ रैंडम कीज मिलेंगे या हुआ तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा अपने यूसेज के अनुसार। तो मुझे WASD यानी जो अपने नॉर्मल कंट्रोल्स होते हैं आगे जाने पीछे आने के, तो मैंने वो यूज़ किए हैं। फिर लेफ्ट के लिए L, राइट के लिए R, स्टार्ट के लिए रिटर्न यानी एंटर बटन, सिलेक्ट के लिए शिफ्ट, जो अपना अटैक सिलेक्शन होता है वहाँ पे मैंने F रखा है। तो इतने ये चार ही बटन है आपको चेंज करने के, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है इसमें। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया है, तो यहाँ पे आपके सेटिंग्स हो गए सेव। फिर आते हैं एमुलेशन पे, यहाँ पे चिट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आप चिट्स डाल सकते हो गाइस। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने कई सारे चिट्स डाल के रखे इसमें, लेकिन सब डीएक्टिवेट है। एक्टिवेट करूँगा और गेम रन करते करते बीच में कुछ क्रैश हो जाएगा, इसलिए आपको तुरंत वो चिट को बंद करना है जैसे आपका काम हो जाए उसमें। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे वो सब मैंने चिट्स डाल दिए, आपको मैं एक चिट डाल के दिखा भी देता हूँ। तो ये है आपका चिट का इंटरफेस, तो मैं चला गया इस पर। तो मुझे ये चिट डालने, समझिए मेगा एवोल्यूशन डज नॉट कैंसिल, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल सी। फिर आते हैं हमारे सिट्रा पे, यहाँ पे ऐड चिट, यहाँ पे अपना कोड डाल दीजिए, चिट तो ऊपर का पूरा कॉपी कर दीजिए, और यहाँ पे नेम के इसमें वो लिख दीजिए ताकि आपको पता चले कौन सी चिट है यहाँ पे। यहाँ पे सेव कर दिया, तो ये डीएक्टिवेटी है, आप एक्टिवेट कर सकते हो बाद में। ऑलराइट, तो इसे मैं अभी कर देता हूँ क्लोज। फिर आते हैं इसमें, ऑलमोस्ट तो सब हो चुका है, लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ देखा था, मैंने जो गेम खेला था ना स्टार्टिंग में वो सेव ही नहीं हुआ था। मतलब यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन आती है जहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन आता है, उसमें तो कुछ सेव करने के बाद भी ये लोड नहीं हुआ। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जब भी आपका गेम टाइम या मतलब आप PC बंद कर रहे हो तो ये आप एमुलेशन पे जाके यहाँ पे सेव स्टेट है यहाँ पे सेव करोगे ना और ये स्लॉट में रख दोगे तो ईजिली आप फिर लोड स्टेट से वापस से आप चालू कर सकते हो गेम को। तो यही था मेरे एंड से गाइस। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक डालो गाइस। मिलते हैं हम स्टार्टिंग में, क्या करना है धमाल और गोलमाल देखते हैं। टिल देन सी या गाइस।